सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माई रूम एंड यहाँ पे मेरे पास है आउल वाली हैंगिंग्स विच आर रियली रियली क्यूट. देन यू गो इनसाइड एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल लाइटिंग डन with the cloud light and the bed lights. And now let me show you how it looks with the lights on. So it looks equally beautiful. And yahan pe I have my bed, jahan pe I also have my soft toys sare ke sare on my bed. Maine inko pillow ke upar rakhte taki mera bed zyada phaila phaila na lage. And when I am tired I can sit here. Then uske baad just above my headboard I have these cute little wall hangings and usko stickers bolo kuch bhi bolo, these are really really aesthetic and they look really really cute. And uske baad mere side table ke just upar I have this cloud, jo LED lights wala jo hota hai na, wo wala cloud hai mere paas. Then this is my side table, it is quite clean kyunki main yahan pe sara saman nahi rakhti hu. I just have these two candles and a switchboard jo sari lights ko connect karta hai idhar is side ki. To ha, that is it for my bedside area. Now let's move on to the cupboard. तो ये कबर्ड बेसिकली मेरी बुक्स के लिए है. जितनी भी मेरी बुक्स थी वो सब इसमें आ गई एंड अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई हैव वो भी सब इसमें आ गए. तो ज़्यादा मेरा रूम अब फैला फैला नहीं लगता है. सो नाउ लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड. तो यहाँ पे आई हैव केप्ट ऑल माई बुक्स रियली नाइसली. जो मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ करा था थोड़े दिनों पहले वो मैं यही ऑर्गेनाइज़ कर रही थी. एंड मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स भी रखी हुई हैं विच लुक्स रियली ब्यूटिफुल इन नाइट टाइम. जब तुम लाइटें ऑफ कर देते हो एंड ये कैंडल जली रहती तो ये बहुत अच्छा लगता है. एंड हाँ, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नॉवेल्स भी रखी हुई है साइड में, जो सारे मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह है वो भी है. एंड साइड में एक फोल्डर है जिसमें सारी शीट्स वगैरह है विच आई यूज़. एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैव माई ईयर पॉड्स एंड ऑल्सो माई स्पीकर इज हेयर, ताकि सारा सामान में मिट्टी मिट्टी ना लग जाए इसलिए मैंने सब कुछ यहीं रखा हुआ है. एंड आई ऑल्सो हैव अ मिरर हेयर जिसके दैट व्हेन आई डू माय स्किन केयर सो इट कम्स रियली हैंडी. तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक मिरर था जो थोड़ा ऊंचा सा लगा हुआ था. तो हाँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ. एंड दीज आर ऑल द नोटबुक्स आई हैव. इसमें मेरी स्कूल की नोटबुक्स भी हैं जो लाइक आर ऑफ नो यूज़ राइट नाउ, क्योंकि स्कूल में जाती नहीं हूँ. देन दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मेरा स्किन केयर का सारा सामान रखा हुआ है. आई डोंट यूज़ दैट मच स्टफ बट हाँ, मेनली मेरी वॉचेस, सैनिटाइजर, हेयर बैंड, सारे कॉम्ब्स सब यहीं पर ही रखे हुए हैं. सीरम, सनस्क्रीन, नॉर्मल क्रीम, नाइट क्रीम, परफ्यूम्स वगैरह वो सब भी यहाँ पे रखे हुए. तो छोटे छोटे परफ्यूम्स हैं मेरे, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं. देन वी मूव डाउन एंड यहाँ पे मैंने अपना वो वाला सामान रखा हुआ है जिनका इतना काम अभी नहीं है. सो यहाँ पे थोड़ा सा मेस्ड अप सा एरिया है बट हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा वो बुक्स है जो लाइक पुरानी क्लासेस की जो बुक्स थी, 9th की 8th की 10th की, वो सब यहाँ रखी हुई हैं. एंड मैंने उनको भी संभाल के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि काम आती हैं आगे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन द लाइट्स आर ऑफ एंड इट लुक्स रियली एस्थेटिक एंड क्यूट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ माई रूम विच इज़ माई स्टडी टेबल. आई रियली लाइक इट दिस टाइम एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाई करने में. सो बेसिकली यहाँ पे मेरा कोचिंग का बैग रहता है जिसमें बुक्स रहती हैं कोचिंग की. उसके बाद व्हेन यू मूव अप ऑन टू माई स्टडी टेबल तो मैं छोटा सा जो है पेन स्टैंड वो दिखेगा जो मैंने थोड़े दिनों पहले अमेजोन से ही मंगाया था. एंड इट इज़ अ रियली क्यूट बनी वाला पेन स्टैंड जिसमें मेरा बहुत सारा सामान आ गया है एंड ज़्यादा फैला भी नहीं हुआ. देन आई हैव दिस क्यूट लिटिल डायरी, द आर्ट ऑफ लिविंग वाली डायरी. आई रियली लाइक दिस एंड ये बेसिकली मेरी मम्मी की थी, मैंने उसको ले लिया. तो हाँ, एंड दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कॉर्नर्स. यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा क्यूट क्यूट सामान है. द प्लांट दैट आई गॉट, द कैंडल, द सैंड क्लॉक, द कैलेंडर क्लॉक, सब बहुत एक साथ लग के बहुत प्यारा लगता है. एंड द मोर पंख इज़ ऑल्सो लुकिंग रियली नाइस है. तो मैंने इसको यहीं पर ही अटका के रख लिया क्योंकि इट एड्स अ पॉजिटिव टच टू माई स्टडी टेबल. देन यहाँ पे है मेरे पास थोड़े बहुत स्टिकी नोट जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए. एंड दिस इज़ माई बेसिकली गोल जो कि मेरे को अचीव करना है. ये दोनों चीज़ें वही हैं. एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैव माई टाइम टेबल राइट हेयर विच आई एम गोइंग टू फॉलो. एंड मैं थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर भी लेती हूँ. देन दिस इज़ द बेस्ट फ्रेम दैट आई हैव. लाइक इतना अच्छा है कि IIT जाना है ना तो पढ़ना स्टार्ट करो. तो इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग कि तुम्हारा गोल क्या है एंड तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी है इसके लिए. सो मैंने इसको अपनी साइड है भी जस्ट आगे ही रख लिया. देन देयर इज अनदर मोटिवेशनल कोट जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रू है एंड आई रियली लाइक दिस वन एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल राइट हेयर. देन सबसे ऊपर आई हैव माई क्लॉक BTS वाली एंड देन आई हैव द स्पॉटलाइट जो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट डालती है तो अंधेरा अंधेरा भी नहीं लगता है. एंड आई ऑल्सो हैव दिस वाइन विच क्रिएट्स अ होमली लाइक लुक हेयर एंड यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो हमने इसको यहीं पर ही लटका दिया. एंड इट ऑल्सो हैज़ लाइट सो इट लुक्स रियली रियली ब्यूटिफुल इन द नाइट. देन मेरे
मेरे बेड के जस्ट साइड में आई हैव माई कर्टन्स विच आर इन रेड कलर एंड ये वेलवेट वाले कर्टन्स है, तो इससे धूप अंदर ज़्यादा नहीं आती है। एंड इसके जस्ट पीछे आई हैव अ रियली बिग विंडो जिसमें से लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, एंड व्हेन बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो हम खोल लेते हैं इसको ताकि रूम में थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। एंड मेरे रूम में सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है एंड बहुत ही अच्छा रूम लगता है क्योंकि लाइक नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट थिंग। तो हाँ, यहाँ पे भी बारिश हो रही थी सो इसलिए मैंने इसको भी ज़्यादातर बंद ही रखा क्योंकि मैं रूम टूर बना रही थी। सो हाँ, उसके बाद दिस इज़ माई गेट जिसके पीछे मैंने अपने बैग्स टांग रखे हैं। देन वी हैव माई बाथरूम का डोर एंड देन दिस इज़ माई होवरबोर्ड विच आई हैव, एंड ये मैंने साइड में रख रखा है अपने बेड की क्योंकि मैं इसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो हाँ, इट इज़ जस्ट राइट हेयर। So now let me give you a final look of my room with the lights off. Not, I really love my room. इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव, इतना एस्थेटिक, जैसे मेरे को चाहिए था वैसा ही हो गया। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई मदर क्योंकि उन्होंने ही सारा इतना डेकोरेशन, इतना दिमाग उन्होंने ही लगाया है। तो हाँ, उन्होंने ही सब करा है। सो या, ऑल द क्रेडिट गोज टू हर। एंड आई रियली लाइक माई रूम, डू टेल मी इफ यू लाइक इट और नॉट। सो हाँ, अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट, रूम टूर, स्टडी रूटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाँ, बाय, टेक केयर। Thank you.